अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डे टू स्टार्ट हो चुका है। कल की वीडियोस मैंने बनाई थी, आपको जैसे कि पता है मेरी खाला का बेटा औरंगज़ेब आया हुआ है यहाँ, और अब जो है डे टू स्टार्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं इस वक्त नाश्ता करने। और यहाँ जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, एक क्वेटा होटल है और पठान लोग हैं वो, और उनकी जो क्या नाम है चाय है, मैं उसका बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ। सीटिंग वगैरह ओके है उनकी, इतनी कोई वो नहीं, लेकिन उनका जो चाय है, उनकी जो चाय है वो बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। इसी तरीके से भाई ने मुझे बताया कि उनका जो अपना परांठे वगैरह है, मतलब आलू वाला परांठा नॉर्मल और ये वो, तो वो बड़ा मज़े का है। तो अब वो हमने कहा यार मज़े मज़े की चीज़ें ही तो हम टेस्ट करने आए हैं पाकिस्तान, तो अब वो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जी जेबू ने क्या कहते हैं मोटरसाइकिल को मार दी है किक, और क्या साउंड है इसका, मैं कहता हूँ स्वाद आ गया। चले जी अब हम बैठने लगे हैं बाइक पर, जेबू के साथ राइड करने लगे हैं, तो फिर चले। चलो जी सही है, अब आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। आई मीन क्वेटा रेस्टोरेंट आने से पहले मैं दिखाऊंगा, मुल्तान में बामंजी चौक है उसके करीब है वो। मेरी अभी कोई नहीं, अभी नीचे ही रख लेता हूँ मैं। सही है सही, अलैकुम। ये जी इस वक्त हम कैंट में आ चुके हैं, बामंजी चौक की तरफ जा रहे हैं हम, और वहाँ करके क्वेटा है रेस्टोरेंट है। आपको एग्जैक्टली मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आपने वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इधर दुकान के साथ दुकान खुली हुई है, जो फेमस हो जाता है उसी का नाम उठा के आगे चल जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है। सो बड़े क्वेटा वाले और भी मिल जाएंगे। महफूज बान शॉप के साथ यार न्यू महफूज बान शॉप खुल गई, अंदाजा कर। शॉप में भी महफूज है और बंदा वही बैठा हुआ था, वो महफूज, वो तो उनकी दूसरी ब्रांच है, ये वाली दूसरी ब्रांच है। हाँ लेकिन तो ये मैं दिखाऊंगा वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ सीन क्या चल रहा है। जान दे इधर राइट साइड पे, ये जी इधर, ये क्वेटा कोयटा कारी, इधर 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 ही सामने लगा दें। होए होए होए, अंदर भी बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे अपना आलू वाले परांठे? आलू वाला भी है। अच्छा सादा, अच्छा चने भी है, अच्छा दही भी मिल जाएगा, लस्सी मिल जाएगा, दूध थोड़ा मिल जाएगा, ऑमलेट भी मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है, बहुत आला। चलो वो किधर गया यार, वो कज़न है मेरा साथ, उसके साथ डिसाइड कर लूँ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आलू वाला बन रहा है परांठा, ये अंडे वाला है, अंडे वाला परांठा। अच्छा अच्छा, अंडे वाला इस तरह का होता है, सही है, ज़बरदस्त बेहतरीन, बहुत आला, सही है, वाह जी वाह, क्या बात है। ये आ गया अंडा, ये क्या है अपना आलू वाला परांठा, ये भी आलू वाला परांठा, साथ ही अंडा, साथ इसके वो पंचर हो गया, अंडा पंचर हो गया, सही है। हमारा कैमरा मैन बड़ा ढीला है, इसने पहले नहीं दिखाया, मैंने ये आलू वाला परांठा जो है ना खोल के खाया,
मैंने कहा टेक वन था, आप टेक टू दे दें। टेक टू में बात यह है कि आलू वाला पराठा बड़ा मजे का, वो अब टेस्ट कर रहे हैं मजे कोयटा होटल पर बैठे। और ये पुदीने की चटनी ये दिखाई है, इसके अंदर जायका ऐसा जैसा सुना था वैसा ही पाया, ज़बरदस्त। अरे हाँ भजन की अभी तो इन्हें चाबियाँ रख के दी हैं, उन्होंने कहा हमने ये जो है ना क्या नाम है एक चाबी मैंने एक औरंगजेब ने जो है ना रायते में डुबो के खा ली है। असल में किसी को नहीं समझ आएगी ये टेक्निकल बात क्या है। नहीं, वो टिशू उड़े ना ना, उसने चाबी इसलिए रखी है, नीचे दिखा जरा कि टिशू ना उड़े। ये सादा पराठा आ गया अंडे के साथ खाने के लिए। तो और जेबो कैसा जायका हाल है? बहुत मज़े का, क्रिस्पी क्रिस्पी है, अच्छा है ना? ऐसा ही होना चाहिए। मैंने जी सादा, ये सादा पराठा मंगवाया इन अंडों के साथ खाने के लिए जो इस पर पंचर हो चुके हैं। लो जी, औरंगजेब ने अब अपना मामला कर लिया ख़त्म, और बड़ा ही बेजोग बंदा है, चाय नहीं पीता है, बहुत बेजोग बंदा है। बस मैं जितनी दफ़ा बता सकता हूँ ना, बाकी चाय नहीं पीता तू। चली आ रही है मेरी बना बन रही है सर, ये चल रहा आखिरी सेशन है इधर का। आलू वाला पराठा, सादा पराठा विद अंडा, वो हो गया। आखिर में माई लवली टी आ चुकी है, वो पीनी है, उसके बाद एक काम करना जाना, और उसके बाद चलेगा लस्सी का सेशन जो कि हमारी दिल मेरी की बड़ी फेमस लस्सी है, वो जाके पी। हाँ जी, क्या क्या? ये बच्चा हमारा सिलाई करता है। कौन सा बच्चा करता है? ये वाला खराज तहसीम है भाई इस बच्चे को, क्योंकि सफाई निफ्स से मान है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। और आपके रेस्टोरेंट की चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगी है कि आप लोगों का सफाई का जो सिस्टम है, मैंने करीब से भी आके देखा है जहाँ चाय बन रही है, बहुत अच्छा है। इसको कायम दायम रखें, और क्वालिटी बड़ी अच्छी है दूध की। मैंने और जगहों पे भी चाय पी है, मुझे वो मज़ा नहीं आया जो आप लोगों के इधर आए। लोग बहुत काम अप्रिशिएट करते हैं, मैंने देखा है जो लोग अच्छा काम करते हैं। मेरी आदत ऐसी है कि जो अच्छा काम करता है मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, उसको कहता हूँ कि ऐसे ही रहना। एक बात और भी मैंने कहा था, मैंने कहा मुल्तान में ऐसे है, हमारे यहाँ दिलमीर वाले बैठे हुए हैं, उनकी लस्सी बड़ी ज़बरदस्त है कैंट में, उन्होंने बड़े सालों में अपना स्टैंडर्ड कम नहीं किया, उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। लोग अच्छी चीज़ के लिए पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए। वो रिस्क ही क्या जिसमें आप मिलावट करो, वो फिर रिस्क हलाल तो ना हुआ। इसलिए आप ये कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ भाईजान, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। चले जी, इधर से हमने चाय शाय पी ली है और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते थे भाईजान? आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कैसा रेस्टोरेंट है? अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं यूट्यूब का हूँ, हाँ यूट्यूब पे होता हूँ मैं। भाई को सब्सक्राइब करा दिए, भाई दिखा देंगे, थैंक यू वेरी मच। किंग शेख, ओके जी। हाँ जी जी, चाय शाय पी ली, अब निकल रहे हैं यहाँ से मोटरसाइकिल पर। ओके फिर, ये भाई भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई जान, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ भी नहीं कहना चाहता, कुछ तो होगा दिल में, कुछ भी नहीं फिलहाल है। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी है ना ज़्यादा? मैं ये देख रहा था कि कितनी गर्मी है, ये आपके मुंह से ही मैंने सुना है। गर्मी में इनके पास आए हुए हैं भाई जान, इन्हीं के पास आना और कहाँ जाना है ना। चले चले, बहुत मेहरबानी जी। किंग शेख के नाम से भाई जान, किंग शेख के नाम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब आगे ये औरंगजेब फरज ने बाइक स्टार्ट कर ली है। चले भाई, चल भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आपने पटक करके दिखाना मुझे, वो पटक करके जो खुलती है ना बोतल, मैंने उसी का, मैं वही रिकॉर्ड करने आया हूँ असल में, सारे पैसे उसी के हैं। नहीं है? कितने पैसे? ती अच्छा,
एक और बना दो मेरे लिए। ए, एक 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 और है, एक और है। ये आए, ये ऊपर बजा जा के ये चीज। आए हाय, गर्मी में इसका मजा ही अपना है। चलें जी, मेहरबानी। ये जी पहाड़ी नमक है, अक्सर लोग ये पहाड़ी नमक डाल के जो है ये ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। हाँ भी सिब्बू, फुल सीन है फिर है? गर्मी का तोड़ है, गर्मी का तोड़। जफर सोडा है इधर, हाँ भी पिए बच्चों को। सही नजर आ रहे अंधेरा से। हाँ जी आ जाओ भाई, पी लो जफर सोडा, गर्मी का तोड़। ये नमक डाल के पियो ना तो बोतल उछल उछल के बाहर आती है, हथे पै जाती है। सारे पैसे वो पटक के हैं, मुझे जिस तरह खोलना। जी मैंने तो मिस कर देना था अगर मैं ना पीता। शुक्र है यार तुमने जफर सोडा पे लिया। जफर सोडा चलने लगा है, इसके बाद लस्सी भी चलनी है अभी। चलो फिर आगे जाके दिखाते हैं। भाई ये जो बना के दिया ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका क्या ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत आला। और इन्होंने इसमें ये नमक भी मिक्स करके दी है, तो बहुत आला टेस्ट है जफर सोडे का। नींबू वगैरह भी। हाँ जी मुल्तान में जी जफर सोडा पीने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। इस वक्त हम डेरे अड्डे पे खड़े हैं, मैं आपको थोड़ा व्यू करा दूँ। ये बड़ी फेमस जगह है डेरा अड्डा जो है ये। इधर सारे ये बैठे हुए हैं, ये सोडे वाले बैठे हुए हैं इधर। और आगे एक बड़ा मशहूर है ज़माना रेस्टोरेंट है, टेस्टी उसका नाम है, मैंने एक व्लॉग बनाया उसका। और डेरे अड्डे की ये जो मस्जिद है ये बड़ी फेमस है मुल्तान की ना। तो बहरहाल ये जफर सोडा भी जो है ये काफ़ी फेमस है डेरे अड्डे पे। तो ये हमारे मुजाहिद जो हैं इन्हें अपना क्या नाम है आ रहे हैं मोटरसाइकिल चला के। आ जाओ भाई, भाई साहब चलो आगे, हमें काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर आगे दिखाते हैं क्या। ओए सड़ गई उस्ताद, ओए आए आए लाल है माल है। उस्ताद जी पहले ही बड़ी सड़ी हुई थी। भाई गर्मी इतनी है, यहाँ सीट पे बैठो ना चीखें निकल जाती हैं। ओए होए 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 भाई, जून के महीने में आए हुए हैं, ये तो फिर मौसमी फल है। ये तो मिलना उस्ताद, उधर जाना है। ओ भाई मैं तेरा नेविगेशन पूछ तो ले। ये सारी यहाँ बैटरियों की दुकानें हैं सारी, कोई भी ओसाका वगैरह की। फिर सैनिटरी की दुकानें आ जाती हैं यहाँ, किसी किस्म का सैनिटरी का सामान लेना हो वो सारा घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मुझे याद है जब हमने अपनी कोठी बनवाई थी तो मैं इसी मार्केट में ज़्यादातर हर जगह से रेट ले रहा होता था और कुछ ना कुछ करता फिर रहा होता था। अच्छा ये एक और है, बिल्डिंग है ये बड़ी खूबसूरत है, इधर भी सारा सैनिटरी का सामान मिलता है। हाँ तो सारा इधर से ये मिलता है। इवन दो इधर जर्मनी के जो जिन्हें जर्मन में वासा हान कहते हैं, और सैनिटरी का जो जितना भी सामान है वो सारा इधर से मिलता है जर्मनी का ख़ास तौर पर। ये इस वक्त जी हम कैंट की तरफ जा रहे हैं, ये मार्केट है मोटरसाइकिलों वाली उधर से होते हुए। दिलमीर वाले के पास जाना है हमने लस्सी के लिए, लस्सी पैक शैक करा के फिर आगे जाएंगे। वो सीधा जाके ना जैसे ही कहा था वैसे ही होगा। डबल रुका ना कर, आगे कर लिया कर। यार ये सारा बरामदा पहले खाली हुआ करता होता था, यहाँ बेसिकली होता ही कुछ नहीं था इस जगह पर। तो इधर आना बेसिकली हमने इस गली में दिलमीर वाला। ये देखो जी डोमिनोज, मुल्तान में तकरीबन सारे ब्रांड पहुँचे हुए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड भी जो हैं। सदर बाजार कैंट सफाई इधर कहीं और भी कम सीखने आया करके।
बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए बन रही है जिनका मुल्तान से ताल्लुक है और बाहर के मुल्कों में रहते हैं और बड़ा याद करते हैं अपने मुल्क को, जैसा कि मैं भी। खासियों की शॉप, आ चुके हैं हम। वो आगे अगली दुकान है, अगली दुकान इधर सामने लगा दे, सामने लगा दे। बढ़िया लस्सी नाश्ता जी, सही है। ये जबरदस्त उस्ताद तो भी आ रहे हैं बीच में, नहीं आगे बीच में आगे। चल चल जान दे जान दे जान दे जान दे, थोड़ा तेज कर ले, कोई नहीं। तू भी देख लेना जहाँ से वो आउटफिटर से सामने है, आउटफिटर से सामने ही है। ब्रेकआउट, इनसे भी कपड़े लेता होता था मैं। क्या वा, हाँ वो आ रहे आ रहे, डोमिनोज पिज़्ज़ा लिवाइज। अच्छा इनके जूते अच्छे होते हैं, हश पपी। चलो रेस दो, BHA मुल्तान। हाँ जी जी, एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं समोसे खाने, गुलगश्त के जो सबसे बेस्ट समोसे हैं वो खाने के लिए जाने। इधर राइट जाना, राइट ये गोल बाग आ गया, बड़ी फेमस जगह। क्या हुआ, कॉल करके ना। अच्छा दोस्त भी है इधर, ओके ओके। ये जी बड़ा ज़बरदस्त रोड है इधर मुल्तान का ना। गुलगश्त आ चुके हैं इस वक्त, गर्देजी मार्केट की तरफ जा रहे हैं हम। वेरी फेमस, जो लोग मुल्तान में रहते हैं, मैं खुद एक मुल्तानी हूँ तो उन्हें पता है कि मैं किधर जा रहा हूँ। रशीद ड्रिंक कॉर्नर के पास है, मुझे उसके समोसे वाले का पता नहीं है नाम का। उसी के ही है। अच्छा नहीं, फेमस जो है रशीद ड्रिंक कॉर्नर है बेसिकली, तो इसलिए अपना क्या कहते हैं
बहरहाल जा रहे हैं, देखे हैं लट्सी उसका नाम क्या है, लेकिन मुझे पता है उसके समोसे बड़े अच्छे। मैं यूनिवर्सिटी बंक करके ना क्या लोग समोसे खाने आता होता था, कम आ रहे मैं पीरियड छोड़ देता था जब मुझे तलब होती थी समोसों की। मैं कहता पढ़ाई गई भाड़ में, मैंने समोसे आला तलीम फिर हासिल कर, आला तलीम फिर ले लेंगे, आला समोसे नहीं मिले, आला आला समोसे नहीं मिस होने चाहिए। भाई ये किसी ने बताया RFC पीछे गुजर गया, इनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा है। ये है निराला समोसे वाले, ये देख रहा है ये रशीद ड्रिंक कॉर्नर, ये इधर करके है, साथ ही एक ड्रिंक कॉर्नर बना हुआ है। यह निराला समोसे और पता नहीं क्या क्या हलवा पूड़ी, बड़े बेहतरीन, बड़ा बेहतरीन मैं कहता हूँ, आला सीन है इधर समोसों का। और इधर अब मैं पहुँच चुका हूँ खाने के लिए, समोसे आपको अभी दिखा देंगे। क्या पार्किंग नहीं मिल रही, बता से बुक क्या लेना है भाई? हाँ मैं सॉरी चिकन रोल नहीं आई मैं, ओके। और ये समोसे किस चीज़ के हैं, बीफ वाले, आलू वाले नहीं है, आलू वाले हैं सही है भाई, रेट रूट भी आ रहे हैं पीछे आपकी नहीं, चले चले चले, वो आप आए भी नहीं, आप आए भी प्लेट तो बना दो ना, भाई को बताया मैंने इधर से सही नजर आ रहा है, सही है। इधर रख दो या उधर सा, हाँ ये बन गई प्लेट, चलो चलो इधर 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 रखो। क्या जबरदस्त समोसे, अच्छा एक प्लेट और, हाँ ठीक है मेहरबान, दो प्लेट और ठीक है। हाँ भी से बुक कैसा, कैसा दिया, कैसा दिया, कैसा दिया दे रहे हैं अभी, अच्छा इन्होंने अभी देना तुम दे रहे हो हैं सही है, क्या बात है। बोल स्वैगी पकड़ यार, मैं भी जरा कुछ खा के दिखाऊंगा, जो आजकल के जो मुर्गी हालात है ना, बड़ी चास आ रही है आजकल, वैसे बहुत किया हुआ है वो भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं सही आ रहा है। अभी चिकन चेक कर रहे हैं, उसके बाद जो है, अच्छा मेन बात ये यार ये अच्छा है कि इनके पास डिस्पोजेबल चम्मच भी मिल जाता है, उसके अलावा ये आलू वाले समोसे ये तो है ही ज़बरदस्त। बहरहाल अब हम खाने लगे, नेक्स्ट आगे कहीं जाएंगे तो आगे की वीडियो दिखाएंगे। मोटरसाइकिल पुराना औखा हो जाए गड्डी से फिर तोड़ दी गल, अच्छा हाँ। निराला वालों के समोसे खाने के बाद अब हम जा रहे हैं औरंगजेब ने कुछ शॉपिंग करनी है, तो इधर काफ़ी सारे ब्रांड है, ब्रेकआउट आउटफिटर्स, तो उधर कुछ कपड़े शपड़े लेने बच्चे रहे हैं। इसके बाद मैंने जुनेद जमशेद जाना, क्योंकि रास्ते में मुझे जुनेद जमशेद की एक ब्रांच नज़र आई। यार ये पाकिस्तान का झंडा कहाँ से मिलता है, आई मीन कौन सी शॉप होती है जहाँ से मिलता है, पता नहीं है तो मुझे भी आइडिया नहीं है। ये जी स्ट्रीट बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ, एडिडास, वाओ अमेजिंग भाई क्या बात है, इधर तो बड़े बड़े ब्रांड है, जस्ट अमेजिंग मैन। गुलगश मुल्तान, मुल्तान है, आई लव मुल्तान यू नो, गुलगश आई लव यू। ये डाइनर्स में कभी ना लेना भाई, मैंने लिए थे इनके, उसके ऊपर बुर आ गई थी, आई मीन स्वेटर लिए थे उस पर बुर आ गई थी भाई, तो मतलब सवाल ये है कि ये क्या क्वालिटी थे। ओ जुनेद जमशेद, ओके इधर बाटा है और बाकी इधर है सीन, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इधर कुछ भी नहीं है, इधर मैं आप दिखा रहा हूँ रॉयल टैग, और ये शाहजहाँ दोबारा आ गया, इधर पिज़्ज़ा हट हुआ करता था,
अब जाम में शहादत नोश कर गया वो, अब वो हमें नहीं रहा, हमें बहुत दुख है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। आप पिज़्ज़ा हट पान वाली दुकान ज़्यादा लग रही है। बस दुख इसी बात का है कि अब वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। ये AFC है, AFC मेरे एक जानने वाले हैं, उनको बड़ा पसंद है। और ये AFC आप लोग सोच रहे होंगे क्या, दिस इज़ द कॉपी ऑफ KFC। यार इधर सामने ना एक जूस वाला बंदा बैठा होता था, इमली का कोई जूस बना। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब औरंगज़ेब आया हुआ था तब हम काफ़ी सारी जगहों पे जा रहे थे, खाना खा रहे थे और व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, लेकिन अचानक बीच में से मेरा कैमरा जो है वो काम करना छोड़ गया, साथ ही मेरा गला भी काम करना छोड़ गया ठंडा पानी पी पी के। जैसा कि आपको बताया जून के महीने में हम आए इधर, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी वीडियोस बीच में बना नहीं सका। देखें अभी तक मेरी आवाज़ बैठी हुई है ठंडा पानी पी पी के, तो काफ़ी वीडियोस मैं बना नहीं सका। और जो है बीच में से घर पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं एंड दिखा नहीं सका कि जो हमारा कैसा इकट्ठे टाइम गुजरा। तो ये वाला क्लिप जो है अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। अब आपने जो है अगर एंजॉय करना है इस वीडियो को तो आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, तो इस उसका एंड मैं उधर कर नहीं सका था क्योंकि कैमरा भी जवाब दे गया था इतनी सख्त गर्मी में और मेरा गला भी जवाब दे गया था। तो मैंने कहा इस वीडियो की जो है एंडिंग मैं अभी बना लूँ। तो चलें सही है, आपको मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।